हेलो फ्रेंड्स, रिक्की वर्मा टूर्स में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम ये जो आपको रोड दिखा रहे हैं, ये सुंदरनगर से बिलासपुर का पार्ट है। अब अगर आपने चंडीगढ़ से मनाली की तरफ आना है तो आप 5 घंटे में नॉन स्टॉप अगर आते हो तो 5 घंटे में आप मनाली पहुंच सकते हो। आप बहुत ही, ये देख सकते, फोर लाइन का काम इतनी तेज़ी से चल रहा है। और आप देख सकते हैं, मंडी से लेकर जो कीर्तपुर का जो सारा का सारा जो लाइन है, सिर्फ सुंदरनगर को छोड़कर पूरी सड़क जो है बन चुकी है। बहुत ही अच्छी रोड बनी है, आगे भी काफ़ी सारा रोड बन गया। जैसे और टर्नल आती है, और टर्नल से लेकर भुंतर और कुल्लू तक भी सारी रोड बहुत ही अच्छी है। वैसे तो मनाली तक अच्छी है, कुल्लू से लेकर मनाली तक थोड़ी सी 40 किलोमीटर की सिंगल रोड है, और उसका भी काम अभी तेज़ी से चलेगा। और पिछले साल बाढ़ के कारण वो सड़क काफ़ी डैमेज हो गई थी, तो जल्दी उसका काम भी चलेगा। तो ये वाला जो पार्ट है ये इतना अच्छा बन चुका है। वैसे तो यहाँ पर जगह जगह बोर्ड आ रहे हैं कि 60 किलोमीटर के बोर्ड जगह जगह आ रहे हैं। तो आप देखिए, मेरे सामने बिल्कुल कैमरा लगा हुआ है, इस तरह का कैमरा बार बार आता है तो आपकी स्पीड चेक होती है। यहाँ पर जैसे हम 55 पर निकले, अभी 60 से ऊपर मुझे लगता है इसका शायद चलान होगा, मुझे प्रॉपर तरीके से इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप 60 की स्पीड से भी जाते हो तो बड़ी ईजिली आप 6.5-7 घंटे में आप मनाली से चंडीगढ़ तक आराम से पहुंच जाओगे। एक जगह रुक कर भी आप 7 घंटे में जो है पहुंच जाओगे। आप बहुत ही अच्छी रोड बनी हुई है और इजीली गाड़ी चलती है, ज़्यादा टेढ़े मेढ़े मोड़ भी नहीं है, बहुत सुंदर हाईवे। आसपास का जो दृश्य है वो इतना ज़्यादा खूबसूरत दृश्य है। जैसा कि हम बिलासपुर के पास अब पहुँच गए हैं, बिलासपुर से 2 सड़कें चली जाती हैं, एक तो बिलासपुर सिटी के अंदर रास्ता चला जाता है और दूसरा जो है रास्ता कीर्तपुर साहिब की तरफ, चंडीगढ़ की तरफ चला जाता है। ये जो ब्रिज आया, अब ये सतलुज के ऊपर ब्रिज बना हुआ है। आसपास का साइड सीन इतना ज़्यादा खूबसूरत है, तो यहाँ पर आप रास्ते पर रुक तो नहीं सकते लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। तो गैज, अब आपने चंडीगढ़ से अगर मनाली, मनाली से अगर चंडीगढ़ आना है तो रास्ता 5 घंटे का ही रह गया, तो विज़िट कीजिए। रात के टाइम आएंगे तो आप सिर्फ 5 घंटे लगेंगे, दिन में अगर आपको 6 घंटे लग सकते हैं। तो नए से नए मेरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और नए से नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर योर टाइम।